दोस्तों, अगर हम हॉरर मूवीज की बात करें तो हम में से ज्यादातर लोगों को जोम्बी मूवीज देखना बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे हॉरर मूवीज में से जोम्बी मूवीज देखना पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना जोम्बी मूवीज के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट जोम्बी मूवीज के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं जोम्बिस क्या है। एक वायरस के वजह से लोग जोम्बिस में बदलते हैं, और जोम्बिस अगर दूसरे नॉर्मल लोगों को काट ले तो वो भी जोम्बिस में बदल जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 10 पर है वॉर्म बॉडीज। दोस्तों, ये मूवी दूसरे जोम्बी मूवीज से बहुत ही अलग है, क्योंकि इस मूवी में आप एक लड़की और एक जोम्बी के बीच में प्यार देखेंगे। दोस्तों, मूवी में कुछ जोम्बिस को दिखाया गया है जो कि पूरी तरीके से जोम्बिस नहीं है, और उनमें से एक जोम्बी एक लड़की से प्यार करने लगता है, और कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की भी उस जोम्बी से प्यार करने लगती है। अब मूवी को देखने वाली बात यह है कि वो जोम्बिस अपने आप को कैसे इंसानों में बदलते हैं, और नॉर्मल लोग उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। दोस्तों, मूवी में आप बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस भी देखेंगे। नंबर 9 पर है जोम्बीलैंड डबल टैप। दोस्तों, शायद ही आप जानते हैं हॉलीवुड ने बहुत से कॉमेडी हॉरर मूवीज भी बनाई है, और जोम्बीलैंड डबल टैप उन मूवीज में से एक है। अगर बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी में दिखाया गया है सालों से लोग जोम्बिस के साथ लड़ रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन टीम को दिखाया गया है जो जोम्बिस के साथ लड़ते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए। दोस्तों, मूवी में आपको बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा। और उस टीम के बीच में जो सीन्स क्रिएट होता है वो आपको हंसाने के लिए काफी है, तो इस शानदार कॉमेडी हॉरर मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर 8 पर है आई एम लेजेंड। दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों, इस मूवी को बहुत ही होनहार डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस द्वारा डायरेक्ट किया गया है। अब मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा कि दुनिया में अगर सिर्फ आप ही बचे तो क्या होगा, तो आपके उस सोच को इस मूवी में आप देखेंगे। मूवी में दिखाया गया है दुनिया में 90% लोग खत्म हो चुके हैं, और 10% में से ज्यादातर लोग डार्कसीकर्स बन चुके हैं जो जोम्बिस की तरह ही है, और न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ डॉक्टर नेवल जिंदा है जिसका रोल विल स्मिथ ने किया है। मूवी में विल स्मिथ एंटीडोट बनाकर उन डार्कसीकर्स को इंसानों में बदलना चाहते हैं। मूवी को देखने वाली बात यह है कि रॉबर्ट एंटीडोट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, और वो एंटीडोट बना पाते हैं या नहीं। नंबर 7 पर है 28 डेज लेटर। दोस्तों, आप एक बार सोचिए, अगर एक दिन आप नींद से उठकर देखें पूरा शहर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो आप उस सोच को इस मूवी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मूवी में आप लीड रोल में देखेंगे जिम को, जो रोल किलियन मार्फी द्वारा निभाया गया है। जिम एक हॉस्पिटल में 28 दिन के बाद कोमा से उठता है, और फिर वो देखता है पूरा शहर वीरान पड़ा है, और चारों तरफ सिर्फ जोम्बिस भरे पड़े हैं। वो लोग जोम्बिस के साथ कैसे लड़ते हैं और सरवाइव करते हैं वो देखने लायक इस मूवी में। सिर्फ जोम्बिस ही नहीं, बल्कि उन्हें बहुत से बुरे लोगों के साथ लड़ते हुए देखेंगे, तो इस बेहतरीन मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर 6 पर है कार्गो। दोस्तों, मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में लाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, इस मूवी की बेहतरीन स्टोरी जो आपको बहुत ही हार्ट टचिंग लगेगा। लीड रोल में आप एंडी को देखेंगे जो मार्टिन फ्रीमैन द्वारा निभाया गया है। तो बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। मूवी में दिखाया गया है जोम्बिस चारों तरफ फैल चुका है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं जोम्बिस से बचने के लिए, और एंडी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके पास सिर्फ 48 आवर्स होता है उसके लड़की को एक सेफ जगह ले जाने के लिए। अब एंडी अपने बच्ची को खुद से और दूसरे जोम्बिस से बचाने के लिए क्या करते हैं वो आपका दिल छूने वाला है, तो इस हार्ट टचिंग मूवी को देखना मिस ना करे। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पर है रैक। दोस्तों, ये मूवी दूसरे हॉरर मूवी से बहुत अलग है। इस मूवी का डायरेक्टर है पेको प्लाजा, जिन्होंने वेरोनिका जैसी बेहतरीन हॉरर मूवी को डायरेक्ट किया है। ये मूवी बहुत ही रियलिस्टिक और डरावना होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस मूवी को कैम रिकॉर्डिंग किया गया है। अगर बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में, तो मूवी में एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन को दिखाया गया है जो फायर फाइटर्स के साथ एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। उनको वहाँ पे बहुत ही भयानक हादसे देखने मिलता है। अब वो लोग उस बिल्डिंग से जिंदा वापस आ पाते हैं या नहीं, और वो वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना सीन है इस मूवी में। नंबर 4 पर है 2004 की डोन ऑफ द डेड। दोस्तों, आप इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, और उन्होंने 300 जस्टिस लीग जैसी कई फेमस मूवीज को डायरेक्ट किया है। मूवी में दिखाया गया है एक शहर में ज्यादातर लोग वायरस से इन्फेक्टेड होकर जोम्बीज में बदल चुके हैं, और कुछ लोग अपने जान बचाकर एक शॉपिंग मॉल में रहने लगते हैं। अब मूवी को देखने वाली बात यह है कि वो लोग जोम्बीज से अपने आप को बचाकर कैसे रखते हैं, और एक सेफ जगह जाने के लिए क्या क्या करते हैं। दोस्तों, इस मूवी को मैंने जितना बुरी तरीके से डिस्क्राइब की है उससे कई गुना अच्छा है ये मूवी, तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर 3 पर है ट्रेन टू बुसान। दोस्तों, अब बेस्ट हॉरर मूवीज के लिस्ट में साउथ कोरियन की भी मूवीज आ चुकी है। ट्रेन टू बुसान एक बहुत ही बेहतरीन साउथ कोरियन हॉरर मूवी है, और ये मूवी हॉलीवुड के हॉरर मूवीज को भी टक्कर दे सकता है। मूवी में दिखाया गया है एक ट्रेन में बहुत से लोग बुसान जाने के लिए बैठते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के आउटब्रेक शुरू हो जाता है। अब वो पैसेंजर्स एक दूसरे को बचाने के लिए कैसे उन ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ते हैं वो देखने लायक है। दोस्तों, इस मूवी का हर एक कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आएगा, और स्टोरी आपको स्क्रीन से आंखें हटाने नहीं देगा। तो इस अमेजिंग साउथ कोरियन हॉरर मूवी को आप एक बार जरूर देखें। नंबर 2 पर है रेसिडेंट इविल।
दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी की सक्सेस को देखने के बाद इस मूवी का 4 और सीक्वल्स निकाला गया है। मूवी में आपको सिर्फ ज़ोंबीज ही नहीं बल्कि एक खतरनाक मॉन्स्टर और एक मशीन रेड क्वीन को देखेंगे। मूवी में आपको मिला जोवाविच, मिशेल रोड्रिगस, एरिक मेबियस जैसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये मूवी एक्शन सीन से भरी भरी है और हर एक कैरेक्टर को आप जबरदस्त एक्शन करते हुए देखेंगे। तो इस बेहतरीन एक्शन हॉरर मूवी को देखना मिस मत कीजिएगा। अगले नंबर पर बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मूवीज रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकन पे भी प्रेस करें। नंबर 1 पर है वर्ल्ड वॉर जी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर जी वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हॉरर मूवीज में से एक है। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा कमाई की है। मूवी में आप ब्रैड पिट को लीड रोल में देखेंगे एज गैरी लेन। अगर बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो गैरी लेन के पूरे शहर में अचानक वायरस की वजह से बहुत लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। अब गैरी लेन इस सब को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। मूवी को देखने वाली बात यह है कि गैरी लेन अपने परिवार और दुनिया को बचाने के लिए हल निकल पाते हैं या नहीं। अगर आपको इस मूवी को देखने के लिए एक रीजन चाहिए तो इस मूवी का बेहतरीन स्टोरी के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। तो ये थी कुछ अमेजिंग ज़ॉम्बी हॉरर मूवीज और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।